नमस्कार, वीडी टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। संभल जनपद के नखासा थाना पुलिस तथा एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 लग्जरी कारें तथा 1 मैक्स पिकअप सहित अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए संभल जनपद के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि इस गिरोह के द्वारा दिल्ली NCR से महंगी गाड़ियां चुराकर पूर्वांचल के राज्य में बेचा जाता था, जिसके चलते इस गिरोह के सदस्यों से कड़ी पूछताछ में बताया कि एक वर्ष में लगभग 300 गाड़ियों को इन्होंने चुराया है और अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को SOG तथा नखासा थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 5 लग्जरी कारें तथा 1 मैक्स पिकअप को बरामद किया है। इनके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है, जांच उपरांत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाहन चोर गिरोह में संभल जनपद के 3 सदस्य तथा मैनपुरी अलीगढ़ जनपद से 1-1 सदस्य इस गिरोह में शामिल हैं। थाना नखासा की पुलिस और SOG टीम संभल जनपद की के द्वारा एक आज बड़े वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है। इसमें 5 अभियुक्त जिनका नाम कासिफ रजा, बब्बू रौनक अली, वकील पुत्र छोटे कुरैशी, मोहम्मद अनवर और गुलाम नबी, इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 जनपद संभल के रहने वाले हैं, 1 जनपद अलीगढ़ और 1 जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। इनके गिरोह के कुछ और सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से कुल 6 गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिनमें से 2 क्रेटा, 1 ब्रेजा, 1 ऑल्टो और 1 पिकअप मैक्स ट्रक है। इसके अलावा इनके पास से 3 तमंचे व अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इनके गिरोह के द्वारा दिल्ली NCR रीजन से कुछ अच्छी गाड़ियों को चुराकर उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में ले जाकर उनको बेचा जाता था। इस प्रकार की चीज प्रारंभिक पूछताछ में सामने आई है। इसकी विस्तृत पूछताछ, इनकी पूरे गैंग के किस तरह का तरीका है, उसकी अभी जांच चल रही है। इसमें हम लोगों ने 2 टीमें लगाई थी, जिनके द्वारा ये गाड़ियां भी बरामद की गई, साथ में इनके साथ से हथियार भी बरामद किए गए। इनके गैंग के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इनके द्वारा पिछले 1 साल में करीब 300 गाड़ियां दिल्ली NCR से चुराई गई हैं। हम लोग उनमें से जो वर्कआउट हो सकती है उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा जो गाड़ियां चुराई गई हैं वो सभी यहां पे सामने हैं, बरामद की गई। सर, ये कहां से पूरा चलता था, सरगना कौन माना जा रहा है इसमें? अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक सारिक साठा नाम का आदमी है जो इनका सरगना है, जो व्हाट्सएप कॉल और इसके द्वारा इनको मैसेज देता था। काफी टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट इनका ग्रुप है। और जो अभी इनके द्वारा जानकारी दी गई कि ये जो इनका सरगना है, ये मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में रहकर वहां से व्हाट्सएप कॉल और इसके द्वारा इनसे संपर्क करता। इसमें कोई सर एक प्रधान भी बताया जा रहा है? हाँ जी, ये बब्बू रौनक अली है, ये नूरियोसराय गाँव के प्रधान। मौजूदा प्रधान है सर? मौजूदा प्रधान। संभल से विनोद राघव की रिपोर्ट।